सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हो भाई? आई होप सब बढ़िया होंगे भाई, बढ़िया ही चाहिए। तो भाई हर हर महादेव। तो आज की वीडियो होने वाली है बाबा केदारनाथ धाम के ऊपर। तो भाई आज जैसे भी आप सभी को पता है 2024 10 मई को कपाट खुल रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम के, चार धाम यात्रा भी स्टार्ट होने वाली है। एक दो दिन की बात है भाई, आज 8 हो चुकी है, 9-10 दो दिन बचे हमारे पास। तो भाई जैसे कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आप जैसे केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, कितने किलोमीटर की केदारनाथ यात्रा होने वाली है, कितने पैसे खर्च होंगे आपके, और भाई कैसे कहाँ रुक सकते हो, और कितना खर्चा आएगा मतलब खाने पीने का, और क्या व्यवस्था रहेंगी, वेदर सबसे मेन होता है, वेदर क्या वेदर रहेगा। तो आज उसके ऊपर बात करने वाले हैं हम। और भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, आपकी पूरी समझ आ जाएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कमेंट, और जिसके साथ जाने वाले हो अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दो। तो भाई अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो भाई बाबा केदारनाथ धाम की गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक की मतलब मंदिर तक की यात्रा होने वाली है कुल 16 किलोमीटर की। कितनी भाई? 16 किलोमीटर की, याद कर लो भाई। और भाई अभी से अपनी कसरत स्टार्ट कर दो, सुबह वर्कआउट स्टार्ट कर दो, थोड़ा दौड़ना ओढ़ना स्टार्ट कर दो, तब जाके आप पैदल यात्रा कर पाओगे। और भाई मेरा सजेशन तो यही है भाई, जैसे आप जाओ अगर आप कर सकते हो तो भाई आपको मतलब पैदल यात्रा ही करनी चाहिए भाई। कच्चा का सहारा नहीं लेना चाहिए। मैंने देखा है जिम सिम वाले लोंडे मतलब बढ़िया तंदुरुस्त जो जा सकते हैं पैदल, वो भी भाई खच्चर के ऊपर जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है भाई। खच्चर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो गलत है भाई। क्यों किसी के ऊपर बैठ के जा रहे हो, यात्रा तुम कर रहे हो, उनको क्यों परेशान कर रहे हो भाई? वो होती है बुजुर्ग के लिए, जो मतलब हेलीकॉप्टर को हैंड नहीं कर सकते, उनके पैसे नहीं दे सकते हेलीकॉप्टर के, तो भाई उनके लिए होती है कि एक चांस उससे चले जाए। तो भाई आप लोग मत जाया करो भाई, तगड़े लोंडे मत जाया करो भाई। जाते हो मैंने देखा है, पहले भी देखा है, पहली वीडियो भी है मेरी, जाते हो भाई वो गलत है। चलो कोई नहीं, खैर बाकी आपकी मर्जी है भाई, मेरा काम था बताने का, मैंने बता दिया। और भाई जैसे कि IRTC की साइड से लोगों ने मतलब अपने टिकट बुक कर दिए हैं, हेलीकॉप्टर जो हेलीकॉप्टर की टिकट बुक होती है वो कर दिए हैं, अप्रैल में मतलब ओपन की गई थी और भाई लोगों ने बुक कर दिए, फुल हो गई हैं। तो भाई जैसे कि कल 7 मई थी, तो कल भाई वो हुई है मतलब क्या नाम उसका, दोबारा ओपन कर दी गई। जैसे जो लोग रद्द कर देते हैं ना पीछे अपनी मतलब टिकट जो कैंसिल कर देते हैं किसी भी वजह से, जो नहीं जा पाते, तो उनकी को भाई दोबारा ऑप्शन मिल रहा है हम जैसों को कि वो दोबारा जा सकते हैं मतलब टिकट बुक कर सकते हैं। तो भाई ओपन हो चुकी है कल, तो आप जैसे ही उसको बुक कर लेंगे तो भाई आप हेलीकॉप्टर से जा पाओगे, तो आप उसको बुक कर लेना भाई, कल ओपन हो गई थी वो। तो भाई जैसे हम केदारनाथ अब धाम की बात करते हैं, आप ऊपर जाएंगे आपको होटल मिल जाएंगे, कैंप मिल जाएंगे वहाँ पर, होटल और कैंप आराम को आपको आराम से मिल जाएंगे वहाँ पर। और भाई जैसे कि आपको मैं बता दूँ, पंजीकरण से कुल पता चला है कि 20 से 22 लाख आदमियों ने रजिस्टर कर दिया है, मतलब फिलहाल जो जाने वाले हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है अपना। और हाँ भाई, जैसे कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता जिसको नहीं पता होता, और कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन नहीं हो पाता रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए मैं आज आपको बता दूंगा ऑफलाइन कहाँ पे होगा। ऑफलाइन हरिद्वार में हो जाएगा भाई, मैं हरिद्वार में हूँ, मेरे को अपने हरिद्वार का पता है, बाकी का तो नहीं पता। वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे मुश्किल से 5 से 10 मिनट में। लेकिन जिसका रजिस्ट्रेशन होगा मतलब जैसे मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है, तो जो दोस्त होगा उसको भी वहाँ पर मतलब जाना पड़ेगा, क्योंकि फोटो वोटो क्लिक करते हैं तो उसको तो जाना पड़ेगा ही भाई। तो मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा मैं प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात होती है वेदर की, तो वेदर की अपडेट बता देता हूँ मैं आपको। जैसे 10 मई को कपाट खुल रहे हैं और आप लोग जा रहे हो, तो भाई 10 मई को तो वेदर खुला रहेगा, मतलब धूप रहेगी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। वेदर देख लो भाई, 10 को साफ है बिल्कुल, 11 और 12, क्या 11 और 12 को भाई तकड़ी बारिश बता रखी है वहां पर जो होने वाली है। अभी यहाँ तो कुछ ही परसेंट दिख रही है, बाकी वहां बारिश होने वाली है, वेदर अपडेट है 100% वाली। तो अपनी भाई वेदर के कपड़े रख लेना, एक तो भाई सबसे पहले तो बारिश के रखना भाई अपने, एक रेनकोट छोटा अम्ब्रेला पॉकेट वाला रख लेना आप, रेनकोट हो गया, पॉकेट वाला अम्ब्रेला हो गया। और भाई एक आप अपनी जैकेट ले लेना बढ़िया हैवी, और कैप ले लेना, शूज तो मेन है ही, और इनर विनर ले लेना अपने मतलब बढ़िया करके ना, और बढ़िया। और भाई मेरे हिसाब से तो एक राय है आप लोगों को, जैसे 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है ना, या गाड़ी या कुछ भी, आप कार से आए हो या बस से आए हो, तो नीचे भी लोकर होते हैं, और बाकी अगर कार से आए हो तो सबसे बेस्ट है। कार वालों के लिए क्या है भाई, अपना जो आप बड़ा बैग लेके आते हो उस बैग को तो नीचे ही छोड़ दो, एक क्या करो स्कूल वाला, उसमें अपने एक दो कपड़े जो सुबह नहाओगे वो पहनने वाले, और एक दो रख के बस वो ले जा लो ऊपर, सबसे बेस्ट हो भाई। ट्रैकिंग करनी पड़ता मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा वजन लेके जाना ना ऊपर, तो भाई सबसे बढ़िया रहेगा। वेदर अपडेट मैंने आपको बता दी है, और भाई इस बार तो मज़ा आने वाला है बाबा की लीला में। तो भाई इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और भाई वैसे ही केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धाम की और वीडियो आने वाली है चैनल पर। तो बाय बाय बाय। बाबा बोले तने तो सारी दुनिया पार तारी जाए।
कदी मेरे सर पर भी हाथ धर दे, चल बेटे आज तेरी बारिश है बाबा तू मेरा अभिमान।